गौरवे गौरचंद्राय राधिकाय इस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथमे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज का चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का चरण सरजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करुअछि। उपस्थित समस्त भक्तवृंद को यथाजोग्य मु प्रणाम जनाऊ। आज आम श्रवण करवा भगवान कृष्ण उद्धव को कहते बोले लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवान्ति मानुष्यम अर्थदम अनित्यापि अधिर तृणम जतेत न पतेत अनुम्रोत जावत निस्रसाय भगवत अन्यथा कल्पते कुचित। अर्थ होची एजे मानव शरीर लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं अर्थ ए मानव शरीरटा साधारण जन्म नुहे। ए जीवनटी 84 लाख जन्म भ्रमण करिया परे थरे ए मानव शरीरटे आमको प्राप्त हुए किंतु प्राप्त हेले मध्य एटा होची क्षण भंगुर जेकोणसी समय एटा नष्ट हो जाई पारे। तेणु भगवान कहते तृणम तृणम अर्थ होची जत्ते शीघ्र पार भगवान कर भजन करिबा को आरंभ कर दियो बोले काई ना बोले विषय खलु सर्वत्र स्यात् ए जे विषय भोग एटा तो प्रत्येक जीवन रे जीवन को प्राप्त हब कुकुर घुसुरी गद्ध को माने पुरुष हेले कहा को स्त्री मिलुनी स्त्री हेले कहा को पुरुष मिलुनी को माने संतान जन्म दौना तो को माने खाऊ नहाँती को माने सौ नहाँती ए जिनिषा तो प्रत्येक जीवन रे मिलुची किंतु भगवान कर जे भजन एटा सहज रे हुए नी। तेणु ए विषय को आधार करी आज गोटे आम सुंदर गल्प शुणा। तारे पूर्व बंगाल रे बहुत जने जमीदार लोक थे तांकर नाम थिला लाला बाबू। थरे सी भ्रमण करिया पई गोटे नदी पार होकरी से भ्रमण करुथिले भ्रमण करथिबा समय रे जने नाविक संध्या ही आइथिला तांकु कहले भाई आसंतु शीघ्र पार हुवंतु काहेकि ना सूर्य बुड़ी जाउची किंतु त सी ए भाव रे कहले किंतु लाला बाबू जेतले सुनिले कहले सतरे त ये विषय भोग कर करी मोर जीवन रे जे सूर्य त बुड़ीवा को जाउची जते शीघ्र हब एई भवसागर को पार हेकरी भगवान का चरण को जीवा को हब ताको हृदय रे बहुत धक्का लागला ए जिनिष्टा से आध्यात्मिक रूप रे जिनिष्टा को ग्रहण करले। द्वितीय दिन मध्य से ही आसिकी भ्रमण करुले जड़े धोबी सी कौन करती कदमी गच को पोड़ी खार करा लुगापटा परिष्कार करती बंगला कहती बासना से कहले बासन निया जलाओ। लाला बाबू कहले सत कथा मु ये विषय भोग करी करी मो हृदय तो तृप्ति होनी जो भाव निरे घी दे निटा कौन बुझे से दाऊ दाऊ हो बेसिक जल से मो हृदय जे बासना तादर तो निया जलवाक हम तेणु द्वितीय दिन मध्ये से भाव शुणी हृदय बहुत आघात लगला से चिंता करले जिते शीघ्र हुए मु संसार छाड़ी भगवान कर भजन करने जी तेणु सी कौन करे घर छाड़ी मेन रोड उपरे छिड़ा कर चिंता करज कार्य तो बहुत बाकी अच्छी समस्त कार्य को शेष कर भजन करने से मेन रोड छिड़ा कर कथा होते जड़े जे रास्ता को परिष्कार करती से रास्ता परिष्कार करते करी कहले लाला बाबू गोटे तरफ हो जाओ गोटे पटुक हो जाओ से कहले तो ठीक कथा कह मत गोटे पटु हो जावा दरकार मु चाहूची आउ किसी काम अच्छी से काम करी भजन करिया पाई जीवी ना एने जीवी ये काम केतले कोन शेष हुए
ये काम तो शेष केवल हेनी से संगे संगे सब कुछ छाड़ी सी भजन करने से वृंदावन आसिले जितने से वृंदावन भजन करने आसिले आगे बहुत बड़े बिजनेस मैन थे तेणु से जानते कि भली भाव टंका रोजगार करने को हुए तेणु आगे तो संसार करते सीए दी टंका रोजगार कर दी सुंदर से गोटे मंदिर निर्माण करे ये जहाँ का ना हूँ लाला बाबूंर मंदिर जिते से रहीकि भजन साधन करुले कितु से भिक्षा द्वारा जीविका निर्वाह करती कि सी गोटे कंबल शरीर दौले से कंबलटा हूँ बहुत दामी कंबलटा राधाराणी बहुत दयालु यदि तांकर कृपा हुए कहीं वृंदावन धाम भजन करपा ना कहीं भजन करपारती राधाराणी हेले बहुत दयालु राधाराणी करुणा कुरुमयी करुणार मूर्ति हेले श्री राधाराणी थे राधाराणी गोटे छोट बालिका रूप धारण करी आसिले आसिकी कहले बोले बाबा माधु करी माने भिक्षा करके जीविका निर्वाह करछो आउ तुम शरीर एत दामी कंबल तुम व्यवहार कर शोभा देव से कहले झीटा तो ठीक हो तेई दामी कंबलटा छाड़देले किंतु सेठी गोटे मंदिर अच्छी वृंदावन से रंगजी मंदिर से मंदिर जी तैयारी कर जगत सेठ सी मत बहुत बड़े गोटे जमीदार थे ये मत गोटे बहुत जमीदार थे जितने सी दीज जमीदार थे भितर बहुत दिन धरिक कोर्ट कचेरी होता से केस होता तेणु प्रत्येक दिन से जगत सेठ साधु मानक रोटी सब्जी दिखती समस्त आसिकी से रोटी सब्जी प्रसाद पाई भगवान भजन करती किंतु लाला बाबूंर से पूर्व कथा मन अच्छी सांगे बहुत दिन धरी आमर केट कोर्ट कचेरी होता कितु सेठी से भिक्षा करने जाती राधाराणी बहुत दयालु बोले भजन करने तो आसी कितु एने से हृदय प्रति द्वेष अच्छी यदि भगवान को भजन करने को हुए हृदय समस्त द्वेष हिंसा कपट को दूर करी सरल हृदय होकरी महाप्रभु भजन हुए तेणु राधाराणी गोटे छोट बालिका रूप धारण कर आसिले बोले बाबा ब्रज को तो आप भजन करने किंतु एने बोध तुम हृदय ईर्षा द्वेष छल कपट द्वेष अच्छी बोले कि भली बोले समस्त से जगत सेठ को पाख को रोटी सब्जी तो आने जाती कितु आप जाती नहीं कहीं पूर्व कथा तुम स्मरण अच्छी एमती हेल्ले कौन भजन हब कहली झीटा तो ठीक होती जो लाइन रे साधारण लोक मैंने ढाईक से माधुगरी भिक्षा निये मध्य से साधारण लाइन रे ढाईक जो आंकर नंबर आसला जो से जगत सेठ देखिले ऊपर को लाला बाबू जहाँ सांगे एत दिन धरी मोर कोर्ट कचेरी होता सी मो पा को भिक्षा नापी मो पा आर्थ हो मो प्रति जी ईर्षा द्वेष से समस्त किसी से भूली जाती से दीज को देखिकी निजे निजे कोल ने आखिरे जिते लुह थी लुह द्वारा ईर्षा द्वेष को सब धोईकी हृदय को परिवर्तन करी शुद्ध रूप से महाप्रभुकर भजन करने आरंभ करे तेणु भगवान जे भजन कौ समय करवा दरकार तेणु भगवान कहते तृणम जतेत न पतेत अनुमृत जावत अर्थ हूँ जिते शीघ्र पारती से शीघ्र महाप्रभुकर भजन करवा दरकार तेणु हिंदी में गोटे कथा कहते कल कर सो आज करो और आज कर सो अब बोले पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी कब माने जेटा काली करने चाहते आज कर जेटा आज करने कर बोले कहीं गोटे पल भितर से प्रलय हो जापे तेणु निश्वास नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्य ए निश्वास कौन से विश्वास ना कौ समय से बंद हो तेणु यदि कौन सी शुभ काम थाए से आमको शीघ्र शीघ्र करने को हुए तेणु रामायण कथा जिते भगवान राम रावण को मारे एवं मृत अवस्था रावण पड़ती से समय भगवान राम लक्ष्मण को कहले लक्ष्मण ये रावण हूँ बहुत बड़े ज्ञानी जाओ तांके पाखरु अंतिम उपदेश नहीं करी आस
ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇକରି କହିଲେ, ଭାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ମୋତେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦିଅ। ସେଇ ସେଇ ରାବଣ କହିଲେ, ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ହୁଏ ସେଇ କାମଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ସେଇ କାମଟା କରିବ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଲିଶୁଣୀ ତିଆରି କରିଦେବି। ମୋ ପାଇଁ ସେଟା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା, ଏବଂ ଚାହୁଁଥିଲି ଏଇ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଗ, ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ତିନି ଭାଗ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପାଣି ଲୁଣି କାହାର ସିଏ ଶୋଷ ମିଟେଇ ପାରିନି। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇ ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ମିଠା କରିଦେବି, ମିଠା ପାଣି କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଲୋକ ପିଇଲେ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ପାଣି ମିଠା କିଏ କରିଲା, ବୋଲେ ରାବଣ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ତ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଦୁଇଟି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କାମ ନଥିଲା, କୌଣସି କଷ୍ଟକର ନଥିଲା, ଅନାୟାସରେ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରିବି ବୋଲି କହିକିରି ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା କାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ମିଳିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଶୁଭ କାମ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବା ଦରକାର ଶୁଭ କାମ, ଏବଂ ସେଇ ଶୁଭ କାମଟା କ'ଣ, ବୋଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଭଜନ, ଭଗବାନ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ବଡ଼େ ଭାଗ ମାନୁଷ ତନ ପାବା ସୁର ଦୁର୍ଲଭ ସଦଗ୍ରହ ଥନ ଗାବା। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ, ଏଇ ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଏ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ବୋଲେ ସାଧନ ଧାମ ମୋକ୍ଷକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମୁକ୍ତିର ଦରଜାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଭ୍ରମଣ କରିକରି। ତେଣୁ ପାଇ ନ ଯେଇ ପାର ଲୋକସଭାରା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକରି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତି, ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଲାନି। ତେଣୁ ଏହି ମଣିଷ ଜନ୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଭଜନ କରିବା, କାହିଁକି ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ହୁଏ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମରେ ଆଉ କୌଣସି ଜୀବନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ ହେବନି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରି, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ କରି, ତାଙ୍କ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ବୋଲେ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲା।